हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित्रा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आई नो कि मैं दो तीन दिन से बिल्कुल भी वीडियो नहीं मैंने कुछ डाला है, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी थी। मुझे एक्चुअली मेरे सिस्टर कज़िन आई मीन टू से कज़िन सिस्टर के मैरिज में जाना है, और आई मीन टू से कि दो तीन दिन हो गया कि मैंने कुछ ब्लॉग ही नहीं किया, और क्योंकि मेरी जो बेबी का जो तबीयत है थोड़ा ख़राब हो गया था इसलिए। तो अभी ठीक है, अब मैरिज के लिए भी निकलना है, तो इसलिए हल्दी में एक्चुअली कल हल्दी थी और मैं जा नहीं पाई, तो मेरी सिस्टर वगैरह गए थे तो मैं तो जा नहीं पाई। तो आज हम जाएंगे, मैरिज कल है तो आज रात को 9 बजे निकलेंगे यहाँ से, हमें आके दादर जाना है। तो बस देखिए, सब साड़ी वगैरह सब कुछ निकल के रख लिया है। एक्चुअली मैं ये रेड कलर का साड़ी पहनने वाली हूँ, ये वाला साड़ी पहनने वाली हूँ, काफ़ी अच्छा साड़ी है। तो यहाँ से मैंने गजरन मार्केट से लिया था ये वाला साड़ी। तो बस अभी चलो चलते, मुझे इसके लिए कुछ बैंगल्स वगैरह लेना है और थोड़ा बहुत कुछ लेना है, से बिंदी वगैरह कुछ लेना है, तो बस वही निकालने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो चलो चलते, जो भी सामान चाहिए वो लेते और फिर आते और फटाफट पैकिंग वगैरह करते और निकलते। कर पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, और मैं अगर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह का बैंगल्स वगैरह और बिंदी वगैरह लाई हूँ, तो आप यहाँ देख लीजिए। और मेरा पैकिंग देखो आधा हो भी गया है, देखिए मैंने आधा पैकिंग कर भी लिया है, तो बस और थोड़ा बहुत ही बाकी है। तो पहले मैं आपको चूड़ी वगैरह दिखा देती हूँ, मैं किस टाइप का चूड़ी वगैरह लाई हूँ, आप देख लीजिएगा। एंड फिर मुझे उसके बाद थोड़ा खाना वगैरह बनाना है, कुछ ही सिंपल सा कुछ बना दूँगी, खा के निकल लेंगे। हमारा आगे 9:30 का ट्रेन है, तो फिर ठीक है, हमारे पास और टाइम है, 1.5 आवर टाइम है, तो कोई इशू नहीं। तो फटाफट हम मैं आपको पहले बैंगन दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए, एंड देन फिर मैं खाना बनाकर खा के फिर हम तुरंत निकलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ कर मेरी मम्मी का बैंगल है, तो ये अगर उनके लिए हमने आगे चॉइस किया है, काफ़ी अच्छा और प्यारा बैंगल मम्मी ने चूज़ किया है। जैसे कि अभी ये वाला जो है ना, ये वाला आगे वेलवेट का है, जो अभी नया निकला है उस तरह का बैंगल मैंने ख़रीदा है। और यह एक कड़ा है, काफ़ी क्यूट था ये कड़ा, एंड जैसे कि एक बार फोकस हो जाए, अरे भाई फोकस हो जा, ओके देख लीजिए, काफ़ी क्यूट लग रहा है ये। अगर एक हाथ में ऐसे पहनेंगे तो फिर दोनों हाथ के लिए देखिए है, तो इस तरह का बैंगल वगैरह मम्मी के लिए लिया है। एंड ये वाले कड़े आपने मेरे दिवाली में, दिवाली के ब्लॉग में देखा होगा। तो इस तरह का देखो चूड़ी है, ये भी मैं आके कैरी कर रही हूँ मेरे साथ, अगर मुझे कुछ और पहनना हो तो मैं ये आके वेयर कर सकूँ। और ये मेरा चूड़ी है, तो मैं आपको एक मिनट खोल के दिखाती हूँ। तो ठीक है, देखिए ये मेरा चूड़ी है, मेरे आगे प्योर रेड कलर का पूरा साड़ी है, तो मैंने इस तरह का लिया है। ये मैंने भी आगे वेलवेट ही लिया है, एंड आकर मैंने भी वेलवेट ही लिया और साइड में इस तरह का कड़ा लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं एक बार आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से मैं वेयर करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से आके अपने लिए आके चूज़ किया है, मुझे है कि ज़्यादा बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है, तो मैंने एकदम मीडियम सा, एकदम मिनिमम सा लिया, जितना मेरे हाथ में कंफर्टेबल हो सके। तो क्या देख सकते हो, मैंने अपने लिए ये वाला लिया है और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये वेलवेट है, ये वेलवेट वाला है, और ये आगे साइड में आकर कड़ा जैसा लिया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ऐसा सेट बना के लिया है। और अगर देखिए ये दोनों हाथ में पहनने के लिए लिया है, और आगे टिकली वगैरह आई मीन टू से बिंदी वगैरह देखो इस तरह का लिया है, ये वाला, और ये सेम लिया है, और ये वाला मेरे लिए लिया थोड़ा छोटे साइज का। तो बस यही सब कुछ लिया है, कनू का बैंगल सब है रेडी है, और सब कुछ बस ले लिया है। बैंगल्स वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये रेड कलर का बैंगल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये वेलवेट का अभी सब नया निकला है। आप जब भी शॉप पे जाओ तो इस तरह का बैंगल्स आके आप परचेज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी टिकाऊ भी है, आप इजीली आराम से इसको वेयर कर सकते हो, ख़राब भी नहीं होती है जल्दी से, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह का बैंगल्स परचेज़ करना। तो मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए मैंने लिया है, तो
मैरिज कल का है, कल मॉर्निंग हम आई मीन टू से कि साउथ इंडियन मैरिज है कि मॉर्निंग होता है, तो हम रात को निकल जाएंगे, तो कल सुबह जाके मैरिज में अटेंड करना है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि सब रिलेटिव्स आएंगे, सबसे मिलना जुलना काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बस हो गया मेरा, ये सब मैंने परचेज़ कर लिया, तो मैं इसको बड़ा पैक कर लेती हूँ और जाती हूँ फटाफट खाना बनाती हूँ, मुझे कुछ सिंपल सा कुछ बना दूँगी। तो बस मैं खाना बना के गई, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा चावल चपाती सब कुछ बनाकर हो गया है, और मैं मेरी मम्मी का वेट कर रही हूँ बिकॉज वो शॉप पे अभी तक आई नहीं है। तो टाइम भी आई थिंक 10 o'clock हो गया है, बहुत लेट हो गए हम, पर कोई बात नहीं क्योंकि कनू नहीं है मेरे साथ, क्योंकि कनू ऑलरेडी मेरी सिस्टर के साथ चली गई है, क्योंकि मेरी सिस्टर दोपहर को ही चली गई थी तो उसको लेकर गई वो साथ में। तो बस मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों जा रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस देखो पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है, सब कुछ बैंगल्स वगैरह सब कुछ निकाल के रखे हो गया है, और सब कुछ ले लिया है। बस अभी तुरंत खाना खाएंगे और तुरंत निकलेंगे, जस्ट मेरी मम्मी अभी शायद आती होगी, तो तुरंत जब मम्मी आ जाएगी तुरंत हम तो खा पी के तुरंत निकलेंगे। तो जस्ट मम्मी आने दो, फिर खा पी के फिर निकलेंगे, तब मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, चलो हो गए, निकल गए हम, ऑटो के लिए रुके, ऑटो आने के बाद तुरंत निकल के ट्रेन पकड़ लेंगे। ओके गाइस, तो हम आ गए स्टेशन में, तो चलो चलते हैं फटाफट से ट्रेन पकड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया ऑलरेडी, तो चलो हम चलते हैं। गए घर पे, काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है, तो बस जा रहे घर पे, आई थिंक 1 o'clock हो गया है। ये मेरी मम्मी और मेरा भाई जो जा रहे हैं आगे, और यहाँ पे सब सो गए हैं। रात हो गया है, पहले मैं पानी पीती हूँ। ओह गॉड, काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र था। ओके गाइस, तो इतने लेट हम आके घर में पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, उसके बाद मैं सो गई थी। और आकर देखिए ये आगे हल्दी का वीडियोस है जो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, एंड आई होप ये देख के आपको ज़रूर पसंद आएगा। सब मेरी सिस्टर्स, कज़िन, सब मेरे रिलेटिव, एंड काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय हुआ था उस दिन। मेरी सिस्टर गई थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो मैंने ये वीडियो थोड़ा ऐड कर लिया इसमें, तो आप लोगों को देख के ज़रूर मज़ा आएगा, प्लीज़ देखिएगा एंड कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा ही पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट मी, अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए हो। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये पूरा क्लिप देख के एंजॉय कीजिएगा गाइज़।